Hello everyone, this is Manju Mongia. Today we will do class 6 subject maths chapter 9th algebra assignment 9.4. इसमें हम करेंगे solution of an equation. यहां हम जो बात कर रहे हैं इक्वेशंस की, ये हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन का हम सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं. इसके दो मेथड हैं. फर्स्ट हमारा है ट्रायल एंड एरर मेथड. और सेकंड है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, या हम इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड. ठीक है, फर्स्टली हम करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड. इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. सपोज हमने ले ली इक्वेशन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5. ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहां पे एक्स की वैल्यू ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए. तो हम यहां लेट कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 1. अब देखते हैं कि एक्स की जगह पे 1 रखने पे क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया. अब हमने क्या करना है, एक्स की जगह पे 1 रख लेना है. 1 प्लस 3 4, 4 इज इक्वल टू 5. क्या 4 5 के इक्वल है? नॉट. इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पे लेट एक्स इज इक्वल टू 2. एक्स को 2 लेट करके देखते हैं. अब एक्स की जगह पे हमने लिख दिया 2. 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5. 5 इज इक्वल टू 5. ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू 2 रखने पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई. इट मींस x इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, चलिए ट्रायल एंड एरर मेथड को एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं. सेकंड एग्जांपल हमारे पास है 2y + 4 इज इक्वल टू 12. ठीक है, यहाँ पे y की क्या वैल्यू ले कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं. लेट y इज इक्वल टू 1. देखते हैं अगर हम y की वैल्यू 1 रखें तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाते हैं. सी, अब हमने y की जगह पे क्या लिखना है, 1. तो क्या लिखेंगे, 2 into 1 plus 2 2 into 1 2 2 plus 2 4 4 is equal to 12. Is 4 equal to 12? No. It means y is equal to 1 is not the solution of this equation. ये इसका सॉल्यूशन नहीं है. तो हम क्या करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड है, बार बार हम इसको वैल्यू को चेंज करेंगे. अभी हमने क्या लेट किया, y इज इक्वल टू 1. अब हम यहां पे ले लेते हैं y इज इक्वल टू 2. अब देखते हैं क्या वैल्यू 2 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा. तो 2 into 2 plus 4 2 into 2 4 4 plus 4 8 8 ऑल्सो नॉट इक्वल टू 12. So y is equal to 2 is rejected. ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है. इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट y is equal to 3. तो देखते हैं यहां पे 2 into 3 plus 4 2 into 3 6 6 plus 4 6 plus 4 10 10 is not equal to 12. तो y is equal to 3 also not the solution of this equation. ठीक है, ये सोल्यूशन नहीं है और ये भी सोल्यूशन नहीं है. अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ट्रायल एंड एरर मेथड है तो हम y की वैल्यू को आगे चलते हैं. अब हम लेंगे y की वैल्यू 4.
ठीक है। अब हम y के लिए 4 लेते हैं, तो 2y+4 क्या करेंगे, 2 × 4 + 4 = 12, 4 × 8 = 12, 12 = 12, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इट मीन्स y = 4 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर? तो ये था हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट डायरेक्ट मेथड और ट्रांसपोजिशन मेथड। लेट्स सी सेकेंड मेथड, डायरेक्ट और ट्रांसपोजिशन मेथड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इसमें कुछ रूल्स हैं, ठीक है। x + 4 = 5। अब ये डायरेक्ट मेथड जो है 99% केसेस में यही वाला मेथड यूज होता है। जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं। अब इसमें क्या रूल्स है देखो, अब लेफ्ट हैंड साइड में +4 है तो इसने राइट हैंड साइड में जाना है, क्योंकि जिसके साथ वेरिएबल्स हैं उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं उन नंबर्स को, और जिनके साथ वेरिएबल नहीं है उनको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। ये +4 जब उधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, -। तो x = 1 आ गया 5 − 4, ठीक है। अब अगर यहां पे हमारे पास है x+, और ये प्लस वाला तो हमारा हो गया, अब हम क्या करेंगे यहां पे माइनस वाला लेते हैं। सपोज यहां पे माइनस x − 4 = कुछ भी ले लो 5, 6, 7, ठीक है। अब ये -4 उधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, -4 6 के पास जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो उधर जाके क्या हो गया, माइनस। अगर हमारे पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है तो जब हम इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब अगर कोई नंबर हमारा वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तब वो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड हो जाएगा। चाहे लेफ्ट हैंड साइड का नंबर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है या लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में जाए, साइन चेंज होगा। जो प्लस है वो माइनस में चेंज होगा और जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। अब देखो यहां पे मान लो मैंने क्या किया, यहां पे लिख लिया x + 4 = 2x - 5, यहां मैं 3 ले लेती हूं, ठीक है। इस एग्जांपल से समझो, अब यहां पे क्या है 3x, अब यहां जो 2x है उसके साथ कोई भी साइन नहीं है। देखो इसके आगे 2 के आगे कोई भी साइन नहीं है। ये जो माइनस है ये 5 के साथ है ना कि 2 के साथ है, ये ध्यान रखना। जो माइनस है वो किसके साथ है, 5 के साथ। अब 2 के आगे तो कोई भी साइन नहीं है, इट मींस यहाँ पे प्लस है, ठीक है। जिस नंबर के सामने कोई साइन नहीं होता वहां पे हम मान लेते हैं कि प्लस है। जब +2x इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। प्लस किस में चेंज होता है, माइनस में। यहाँ पे आएगा हमारा 2, कितना आएगा यहाँ पे 2, 3x - 2x। अब यहाँ पे इक्वल टू के उधर राइट हैंड साइड में क्या बचा, -5, क्योंकि जो 2 था वो तो इधर आ गया 2x, तो यहाँ पे 5 बची है हमारे पास, -5। अब ये +4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4। क्लियर? जब कोई डिजिट प्लस का है इधर आके माइनस हो जाएगा, और माइनस का है तो प्लस साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। 3x - 2x = 1x, -, प्लस साइन विल बी माइनस, तो एक्स की वैल्यू आ गई -9। अगर आपको साइन में कोई प्रॉब्लम है कि -, प्लस कैसे होता है या प्लस माइनस क्या होता है, -, क्या होता है, अगर आपको साइन में कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरी वीडियो है रूल्स ऑफ प्लस एंड माइनस, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से देख लेना, आपके -, की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हमारा x = -9। अब मैं बता रही थी कि अगर कोई वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाता है, वो डिवाइड। सी अब यहाँ पे मैंने लिया 4y = 8, 4y = 8, 4y का मतलब है 4 × y, इसका मतलब जो 4 है वो y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अब हमने ये जो 4 है इधर लेके जाना है, अब यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
काट देंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, टू। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। देखो 5z-5=10, अभी -5 उधर जाके क्या हो जाएगा, +5, 10+5=15, तो जेड कितना आ गया। अब यहां पे देखो जो जेड है हमारे पास वेरिएबल, उसके साथ जो 5 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। काट देंगे 5 3 15, तो जेड की वैल्यू आ गई 3। क्लियर। इसके बाद देखो अगर कोई नंबर वेरिएबल के साथ डिवाइड हो रहा है, मान लो हमने यहां पर लिख दिया x/4=6। क्लियर, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे जो 4 है वो x के साथ डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। बिल्कुल ठीक, कितना आ गया 6 4 = 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24। ठीक है, अब और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मेरे लिए y/3-3=6, तो अभी क्या होगा, सबसे पहले अभी जो -3 है ये उधर जाएगा 6 के पास, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, +3, तो y/3=9। अभी जो y के नीचे 3 है इसने राइट हैंड साइड में जाना है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, y=9×3, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 27। क्लियर, ये थे हमारे कुछ रूल्स, रिपीट कर लेते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर माइनस में है उधर जाके प्लस में हो जाते हैं, अगर कोई नंबर प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाते हैं, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाते हैं और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेट्स स्टार्ट असाइनमेंट 9.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इफ y/4-1/2=y/3+1 देन द वैल्यू ऑफ y इज, हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो y/4, अब y के साथ जो नंबर्स हैं, अब यहाँ पे देखो ये भी y वाला नंबर है, ये भी, तो यहाँ पे क्या है हमारा, प्लस का साइन है, कोई भी साइन है इट मीन्स प्लस है, इसको हम इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -y/3। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, ओनली 1, और ये -1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1/2। अब 1 के नीचे भी 1 लगा लो तो ये भी फ्रैक्शन में बन गया और ये भी फ्रैक्शन में बन गया, ये दोनों नंबर्स भी हमारे पास फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन वाले नंबर को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम लिया, 4 3 = 12। ठीक है, इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है, एलसीएम को हम नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं और फिर जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, फिर 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4, 4 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 2, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 2 से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया 4y-3y-1y/12=3/2, 2+1=3। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऊपर जो न्यूमिनेटर है उसको नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखते हैं -1y/2=3×12, 3×12, 2 1 = 2 -2y, 12 3 = 36। अब आपको क्या रूल बताया था मैंने, -2 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, ये है मल्टीप्लाई वाई, अब y के साथ जो -2 है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे, ये माइनस ऊपर चला गया तो y की वैल्यू आ गई -18, y की वैल्यू क्या आ गई, -18, तो c कौन सा ऑप्शन आंसर है, आंसर बी, बी ऑप्शन हमारा आंसर है। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स सी नाउ सेकेंड एमसीक्यूज।
सेकेंड एमसीक्यू से हमारे पास इफ 1/2p + 1 = 3/2p + 2 देन द वैल्यू ऑफ p इज, हमारे पास ये फोर ऑप्शंस हैं, लेट्स सॉल्व दिस. 1/2p, अब ये +3/2p है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, -3/2p. यहाँ पे क्या बचा, 2 ओनली, क्योंकि +2 है तो हम आगे प्लस नहीं लगाते, ठीक है. अब ये +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1. 2 और 2 का एलसीएम 2, ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी हमारा सेम हो जाते हैं. तो 1p - 3p = 2 - 1 = 1. तो देखो 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3 - 1 = 2. यहाँ पे 3 बड़ा है तो बड़े के सामने जो साइन है वही साइन हमारा यहाँ पे लगता है. 2 * 2 तो क्या आ गया हमारे पास, -1p = 1. 2 * 2 कट गया हमारा, -1p = 1. तो यहाँ पे देखो ये जो -1 है इधर जाएगा हमारे पास, क्योंकि जो वेरिएबल है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, माइनस का साइन वेरिएबल के साथ नहीं होता, ठीक है. अब ये -1 इधर जाएगा तो p की वैल्यू आ गई हमारी -1. कितने आ गए p की वैल्यू, -1. तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन बी. बी पे टिक मार्क लगाते हैं. लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट पार्ट. लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ x इन 3x + 2 = 5. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, +2 उधर जाके हो जाएगा -2, 5 - 2 हो गया 3. अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, जो x के साथ जो नंबर है 3 वो नीचे गया, डिवाइड हो गया, काट दिया, 3 * 3 तो x की वैल्यू आ गई 1. कौन सा ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन ए. ए पे टिक मार्क लगा देते हैं. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड. सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x + 10 = 30 बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. इसको कौन से मेथड से करना है, हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से. यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को लेट करते जाएंगे और जब तक राइट हैंड साइड इसके इक्वल ना आ जाए तब तक हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू को लेट करना. तो यहाँ लेट करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 1, तो 5 * 1 + 10. 5 * 5 = 5 + 10 कितना हो गया, 15. 15 = 30. इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 1 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 5 * 2 + 10. 5 * 2 = 10, 10 + 10 कितना आ गया, 20. 20 = 30. तो x इज इक्वल टू 2 ऑल्सो नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है. अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट x इज इक्वल टू 3. तो 5 * 3 + 10. 5 * 3 = 15, 15 + 10. 15 + 10 कितना हो गया, 25 is not equal to 30. इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 3 इज ऑल्सो नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. अब हमें और क्या करना है, यहाँ पे लेट करते जाएंगे जब तक हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगा तब तक हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू को लेट करते जाएंगे. एक्स की वैल्यू 4 लेट करते हैं, 5 * 4 + 10 = 30. 5 * 4 कितना हो गया, 20 + 10 = 30. अभी देखो 30 = 30 आ गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई. इट मीन्स यहाँ पे हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 4 इज अ आंसर. एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे, 4. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट. फर्स्ट है x + 5 = 12. तो +5 12 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5. तो 12 - 5 = 7. तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 7, ये आंसर आ गया. इसका सेकेंड पार्ट देखो, y - 2 = 10. -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +2.
10 प्लस 2 12 y इज इक्वल टू 12 इज द आंसर. थर्ड पार्ट है 7p इज इक्वल टू 210. यहां पे हमें p की वैल्यू निकालनी है. अब जो 7 है वो p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा 7 तो क्या हो जाएगा, डिवाइड. काटो 7 7 7 3 21 और ये जीरो साथ में आ गई, तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 30. ये आंसर आ गया. इसका फोर्थ पार्ट देखो, 5q इज इक्वल टू 50. यहां पे हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है. क्यू के साथ जो 5 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. काट दो 5 5 5 10 50, क्यू की वैल्यू आ गई 10. ये हमारा था डायरेक्ट मेथड और ट्रांसपोजिशन मेथड, जिसके रूल्स अप्लाई हुए हैं. क्या रूल्स हैं, प्लस हैं तो राइट हैंड साइड में आगे माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड हो गया. सी फिफ्थ पार्ट, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड किया ना बेटा, बिल्कुल वैसे ही है. इसको आप खुद कर लेना और इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है. अब इसके बाद देखो, सिक्स है हमारे पास, 2x-10 इज इक्वल टू -12. ये बहुत आसान है. -10 को जाके हो गया +10, माइनस प्लस माइनस, 12 - 10 -2, ठीक है. x हो गया -2 और ये जो 2 है नीचे आ गया, काट दिया, x इज इक्वल टू -1. ये आंसर आ गया हमारा. इसका जो सेवंथ और एट पार्ट है, अभी हमने पीछे जो थर्ड और फोर्थ पार्ट किया वैसे ही है, तो आपने इसको खुद करना है और आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, x प्लस 8 इज इक्वल टू 12. हमें क्या करना है, सोल्व एंड वेरीफाई द रिजल्ट. सोल्व भी करना है इसको, रिजल्ट को वेरीफाई करना है. लेट्स सी, प्लस 8 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8. 12 - 8 = 4, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4. x की वैल्यू कितनी आ गई, 4. ये आंसर आ गया. अब इसका सेकेंड पार्ट है कि वेरीफाई द रिजल्ट. ये जो मेरा रिजल्ट है इसको हमने वेरीफाई करना है कि क्या ये इसका आंसर 4 बिल्कुल सही है. तो चेक करते हैं हम, यहां पे लिख लेंगे वेरिफिकेशन. क्या लिख लेंगे, वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन में सबसे पहले क्वेश्चन को अगेन लिखते हैं. अब x की जगह पे x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां पे लिखेंगे 4. 4 + 8 = 12 इज इक्वल टू 12. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अगर हमारे दोनों साइड इक्वल आ जाते हैं, इसका मतलब जो हमने x की वैल्यू निकाली है, ठीक है, वेरिएबल की जो भी वैल्यू निकाली है वो हमारी बिल्कुल ठीक है. तो लेट्स सी द सेकेंड पार्ट, 15 - x = 3. तो यहाँ पे -x = 3. अब ये जो माइनस है ये एक्स के साथ है, 15 के साथ तो कोई भी साइन नहीं है. इट मीन्स मान लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारा, प्लस. जब ये उधर जाएगा 3 के पास तो हो जाएगा माइनस. 3 - 15 आ गए 12. 15 में से हमने 3 माइनस कर दिया, क्योंकि 15 बड़ा है 3 और 15 में से 15 बड़ा है, तो 15 के सामने माइनस का साइन है तो यहां भी माइनस का साइन आ जाएगा. तो ये माइनस इससे कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 12. अब इसकी करते हैं वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन में क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं, 15 - x = 3. एक्स की वैल्यू हमारी आई है 12, तो 15 - 12 हो गया 3. 3 = 3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, हैंस वेरीफाइड. हैंस वेरीफाइड इट मीन्स जो हमने यहां पे वाई एक्स की वैल्यू निकाली थी 12, वो हमारा बिल्कुल सही. लेट्स सी थर्ड पार्ट, 4y = -12. y की वैल्यू निकालते हैं,
फोर यहाँ पे डिवाइड हो गया, फोर वन जै फोर, फोर थ्री जै ट्वेल्व, तो वाई की वैल्यू आ गई माइनस थ्री। ठीक है, अब इसकी हम करते हैं वेरिफिकेशन। अगेन वी विल राइट द क्वेश्चन, फोर वाई इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, वैल्यू ऑफ वाई इज माइनस थ्री, तो फोर इंटू माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, फोर थ्री जा ट्वेल्व, तो माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है x माइनस एट इज इक्वल टू सिक्सटीन, ये बिल्कुल हमारा फर्स्ट की तरह ही है, आप इसको अपने आप करोगे। ठीक है, और इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे। लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व एंड वेरीफाई। फर्स्ट पार्ट है 19x माइनस 13 इज इक्वल टू 11x प्लस 35। पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, 19x ये प्लस 11 इधर आते हो गया हमारा माइनस 11x, यहाँ पे बच गया हमारा 35। माइनस 13 इधर आते हो गया हमारा प्लस 13। 19x माइनस 11x कितना हो गया 8x, प्लस करेंगे इनको 48। अब x के साथ जो नंबर है इधर आके डिवाइड हो गया, काट दिया हमने, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 6। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है क्वेश्चन को, तो यहां कर देती हूं मैं, ऊपर लिखेंगे वेरिफिकेशन, इसके बाद अगेन राइट द क्वेश्चन, 19x माइनस 13 इज इक्वल टू 11x प्लस 35। x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 6, तो जहां पे हमारे पास x है वहां पे हम क्या लिख देंगे 6, तो 19 इंटू 6 माइनस 13 इज इक्वल टू 11 इंटू 6 प्लस 35। देखो 19 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 114 में से 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 101। 11 सिक्स जा 66, 66 प्लस 35 तो 101 इज इक्वल टू 101। इन दोनों को हमने माइनस कर लिया और इन दोनों को हमने प्लस कर लिया तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, तो हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, ना भी लिखो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी थी। लेट सी लास्ट पार्ट ऑफ दिस असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट नंबर सेकेंड। इसको समझने से पहले एक चीज समझो, अब घर में ये आपके मम्मा हैं, ठीक है, ये आप हैं और ये आपका ब्रदर है, तो मम्मा क्या सिर्फ आपके हैं? नहीं ना, वो आपके भी हैं और आपके ब्रदर के भी हैं। तो ये जो m है, m मल्टीप्लाई a, m मल्टीप्लाई b, मीन्स ये जो मम्मा है ये दोनों के हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, m मल्टीप्लाई a प्लस m मल्टीप्लाई b। तो मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ, यहां देखो ब्रैकेट में x माइनस टू है बट ब्रैकेट के बाहर टू है, तो जो टू है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, टू मल्टीप्लाई x टू एक्स, माइनस है तो माइनस लगा दो, प्लस है तो प्लस लगा दो, टू मल्टीप्लाई टू यहाँ पे आ जाएगा हमारा फोर, टू मल्टीप्लाई एक्स टू एक्स, टू मल्टीप्लाई टू फोर। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया माइनस थ्री मल्टीप्लाई एक्स थ्री एक्स। अब देखो अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना, थ्री को हमने एक्स से किया थ्री एक्स आ गया, माइनस माइनस प्लस, थ्री को थ्री से करेंगे नाइन, फाइव को एक्स से करेंगे फाइव एक्स, यहां माइनस है तो हमने माइनस लगा लिया, फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई किया, फाइव फाइव जा 25। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो एक्स वाले नंबर्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और जिनके साथ एक्स नहीं है उनको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो यहां पे हमारा है टू एक्स माइनस थ्री एक्स, ये प्लस फाइव एक्स जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस फाइव एक्स, तो यहां पर बचा हमारा माइनस 25। ठीक है, विदाउट वेरिएबल
माइनस फोर, इधर आके हो गया हमारा प्लस फोर, प्लस नाइन जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस नाइन। यहां तक समझ आया? अब हमने क्या करना है देखो, अब इसके दो मेथड हैं, या तो आप करो टू में से थ्री माइनस कर लो, ठीक है, या ये दोनों जो माइनस माइनस है इनको पहले प्लस कर दो, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हमने क्या किया, टू माइनस माइनस ये टू एक्स लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया हमारा माइनस एट एक्स, साइन को माइनस तो ही रहते हैं। 24 में से 25 में से हमने 4 माइनस किया तो माइनस 21 आ गया, और ये वाला माइनस 9 आ गया। 8 माइनस 2 कितना आ गया, 6, 8 बड़ा दोनों में से, यहां माइनस है तो यहां भी माइनस आ गया, माइनस 6x हो गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, साइन विल बी माइनस, 21 प्लस 9 30 हो गया। तो ये देखो ये माइनस कट गया हमारा, अगर दोनों साइड वाला माइनस होता है तो माइनस माइनस वाला कर सकते हैं। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने, ये जो सिक्स मल्टीप्लाई हो गया एक्स के साथ, इधर आके हमारा डिवाइड हो गया, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स फाइव जा 30, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब हम करते हैं इसकी वेरिफिकेशन। हाँ जी, लेट्स सी वेरिफिकेशन। एक्स की वैल्यू हमारी आई थी 5, तो जहां पे एक्स है वहां पे हमने क्या लिख देना है, 5, तो यहां आ गया 5 माइनस 2, ये माइनस 3, 5 माइनस 3, यहां पे एक्स की जगह पे 5 5 माइनस 5, ठीक है। अब यहां देखो 5 माइनस 2 3, यहां माइनस 3 था, 5 माइनस 3 2 आ गया हमारे पास, 5 माइनस 5 0, 6, 2 3 जा 6, माइनस 3 2 जा 6, 5 इंटू 0, तो 6 माइनस 6 0, 5 इंटू 0 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया कि हमारा जो वैल्यू आई थी एक्स इज इक्वल टू 5 वो बिल्कुल सही थी। हाँ जी, ये थी हमारी असाइनमेंट 9.4। इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।